दोस्तों हमने कुछ टाइम पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी जहां पर हम आपको टॉप 10 टॉप 5 सुपरनैचुरल शोज मैजिकल शोज के बारे में बताते थे और आप सभी उन वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो लीजिए दोस्तों उसी सीरीज का एक और नया पार्ट लेकर आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको टॉप 10 मैजिकल शोज के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये शोज बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। एंड दोस्तों अभी तक आपने इस सीरीज के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखना, उनमें हमने आपको एडवेंचर शोज, मैजिकल शोज, साइंस फिक्शन शोज और भी कई तरह के शोज के बारे में बताया है। एंड दोस्तों आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला शो है उस शो का नाम है अलीफ लैला। जी हाँ, अलीफ लैला का पहला एपिसोड 24 फरवरी 2020 में दंगल टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। अफसोस की बात है कि ये शो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया था लॉकडाउन के कारण, एंड इसीलिए इस शो ने बहुत ही कम एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं, यानी कि 20 एपिसोड्स। लेकिन ये जितने भी एपिसोड्स हैं ना आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। इस शो में नजर आए थे अंकित अरोड़ा, सनी दोषी, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। वहीं अगर बात करें इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो की कहानी बगदाद के राजा शहबाज पर शुरू होती है। अपनी पहली पत्नी नूर और उसके सौतेले भाई शाहजामा के साथ धोखा करने के बाद 6 महीने के बाद हर रोज सुल्तान नूर के बुरे सपनों में सोता है। इसीलिए सुल्तान के वजीर को शादी का सुझाव दिया जाता है और सुल्तान हर रोज शादी करने का फैसला करता है। एंड स्टोरी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस शो को देखोगे तो आपको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। कमाल की बात है कि इस शो में आपको अली बाबा की भी कहानी देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों इस शो में एक बुरा जादूगर भी होता है, यानी कि इस शो की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस शो के सभी एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं, YouTube पर इस शो के सभी एपिसोड्स ऑफिशियली तरह से अवेलेबल हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर 2 पर शो है उस शो का नाम है मैं भी अर्धांगिनी। इस शो का पहला एपिसोड 21 जनवरी 2019 में NTV पर टेलीकास्ट किया गया था और इस शो का लास्ट एपिसोड 1 नवंबर को दिखाया गया था। इस शो की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा कमाल की है। इस शो में आपको सुपर नेचर और हॉरर का तड़का भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप इस शो को देखोगे तो आपको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इस शो की स्टार कास्ट में नजर आए थे अविनाश सचदेव, अंकित राज, अंजलि प्रिया, आदित्य राव, अदिति रावत, राहुल त्रिवेदी, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार इस शो में नजर आए थे। इस शो ने टोटल 200 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं एंड सभी एपिसोड्स आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। एंड इस शो के सभी एपिसोड्स अभी आप Z5 ऐप पर जाकर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर 3 पर शो है उस शो का नाम है निक्की और जादुई बबल। इस शो का पहला एपिसोड 20 अप्रैल 2021 में दंगल टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। एंड दोस्तों इस शो की जितनी तारीफ करें उतना कम है, मुझे तो ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये शो लंबे समय तक नहीं चल पाया कोविड के कारण। जी हाँ, कोविड के कारण इस शो की शूटिंग बंद हो गई थी और मुश्किल से ये शो 3 हफ्ते तक चला था, उसके बाद ये शो ऑफ एयर कर दिया गया। इस शो में नजर आए थे मायसा दीक्षित, तन्मय ऋषि, हिमांशु मल्होत्रा, लवीना टंडन, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। वहीं अगर बात करें इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो में आपको एक जादुई बबल की कहानी देखने को मिलेगी। अगर एक बात में कहें तो ये शो आपको थोड़ा थोड़ा सोनी सब के शो बालवीर के जैसा लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये शो कोई सुपर हीरो वाला शो है, नहीं नहीं, ये सुपर हीरो वाला शो नहीं है। इस शो की स्टोरी लाइन बालवीर से बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन इसमें जो निगेटिव पावर्स दिखाई गई हैं, यानी कि जो बुरी शक्तियां दिखाई गई हैं, वो बालवीर के जैसे ही हैं, लाइक भयंकर परी, बवंडर परी। तो इसमें भी आपको झंझारिका नाम की विलेन देखने को मिलेंगी। हमारी लिस्ट में जो नंबर 4 पर शो आता है उस शो का नाम है तंत्र। इस शो का पहला एपिसोड 3 दिसंबर 2018 को कलश टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था और इस शो का लास्ट एपिसोड 5 अप्रैल 2019 में दिखाया गया था। यह एक सुपर नेचुरल शो है, लेकिन इस शो के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड आपको बहुत ज्यादा डरावने लग सकते हैं। वह अगर शो की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो यार इस शो की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां आप देखेंगे कि पृथ्वी खन्ना और उनका परिवार खुशी से झूम उठता है जब आखिरकार वे अपने सपनों का घर खरीद लेते हैं। हालांकि जल्द ही पृथ्वी और उसकी बेटी को एहसास होता है कि उन्हें कुछ काली ताकतों का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें परेशान कर रही हैं। आखिरकार वो कौन सी है निगेटिव पावर्स जो इन्हें परेशान कर रही हैं और वो क्यों परेशान कर रही हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। इस शो में नजर आए थे जूही परमर, मनीष गोयल, सरगुन कौर, समीक्षा, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। इस शो ने टोटल 91 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं एंड इस शो के सभी एपिसोड्स अभी आप वूट ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर 5 पर शो आता है उस शो का नाम है बीसीए अमृत सितारा। ये शो 2018 में स्टार्ट हुआ था एंड इस शो ने 134 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। शो की स्टार कास्ट में नजर आए थे अदा खान, अरहान बेहल, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। एंड दोस्तों कमाल की बात है कि मेकर्स ने इस शो को बहुत ही अच्छे तरह से बनाया है।
वहीं अगर शो की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो यार इस शो की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आप देखेंगे कि सितारा का जन्म विष्कन्या के रूप में हुआ होता है, जिसके कारण उसके पिता कुलदीप उसे बुरी ताकतों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग्य उसे वापस उस स्थान पर ले आता है जहां ये सब तब शुरू हुआ जब उसके पिता को शाही परिवार के संरक्षक के रूप में बहाल किया गया था। एंड दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस शो में VFX का यूज बहुत ही अच्छे तरह से किया गया है एंड ये शो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, तो इस शो को जरूर देखना। इस शो के सभी एपिसोड्स अभी आप वूट ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर 6 पर शो आता है उस शो का नाम है नागिन वादों की अग्नि परीक्षा। ZTV का ये शो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये शो 2007 में शुरू हुआ था एंड शो के टोटल एपिसोड्स 219 हैं। एंड शो की स्टार कास्ट में नजर आई थी सैंतानी घोष, प्रीति पुरी, सचिन श्रॉफ, अली हसन, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। शो की कहानी एक इच्छाधारी नागिन के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि शो की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको नागिन वाले शोज देखना पसंद है तो आप इस शो को बिल्कुल देख सकते हैं। इस शो के सभी एपिसोड्स अभी आप Z5 ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर 7 पर शो आता है उस शो का नाम है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ये शो 2005 में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था एंड इस शो के टोटल एपिसोड्स हैं 110। शो की स्टार कास्ट में नजर आए थे विवेक वी मसरू, देवेंद्र चौधरी, मीनाका लालवानी, के गोस्वामी, अंकित शाह, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। बात करें शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस शो की कहानी एक घोष्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे स्वर्ग जाने के लिए निश्चित रूप से अच्छे कार्य करने होते हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर 8 पर शो आता है उस शो का नाम है ची एंड मी, ऊपर से आया मेरा दोस्त। ये शो 2004 में ZTV पर दिखाया गया था एंड ये शो अपने समय का सबसे हिट शो माना जाता है। आपको बता दें इस शो ने 287 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं, जो कि उस समय के हिसाब से सबसे ज्यादा एपिसोड्स माने जाते थे। इस शो की स्टार कास्ट में नजर आए थे पल्लवी गुप्ता, अक्षय आनंद, रुक्षार, गुलफाम खान, अंशुल शर्मा, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। वहीं बात करें शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो की स्टोरी लाइन एक एलियन के इर्द गिर्द घूमती है एंड अगर एक बात में कहें तो ये शो आपको ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया की याद दिला देगा। दोस्तों इस शो के सभी एपिसोड्स अभी आप Z5 ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। अगला शो है शरारत, थोड़ा जादू थोड़ा नजाकत। ये शो 2003 में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया गया था एंड इस शो के टोटल एपिसोड्स हैं 192 एंड इस शो की स्टार कास्ट में नजर आए थे श्रुति सेठ, फरीदा जलाल, करणवीर बोहरा, सिंपल कौल, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। दोस्तों इस शो में आपको जादू के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने के लिए मिलेगा। शो की शुरुआत जिया के 18वें जन्मदिन के मौके पर होती है। परियों के परिवार से ताल्लुक रखने वाली जिया अनजाने में जादुई शक्तियों की रक्षक बन जाती है। अगर आप इस शो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको इस शो को देखना पड़ेगा। वैसे शो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस शो को देखोगे तो आपको ये शो डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इस शो के सभी एपिसोड्स अभी आप हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो आखिरी शो है उस शो का नाम है मायावी मलिंग। ये शो 2018 में स्टार भारत पर टेलीकास्ट किया गया था एंड इस शो के टोटल एपिसोड्स हैं 95। इस शो की स्टार कास्ट में नजर आए थे वानी सूद, नेहा सोलांकी, ग्रेसी गोस्वामी, अंकित गुप्ता, शक्ति आनंद, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। वहीं अगर बात करें शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस शो में आपको 3 राजकुमारियां दिखाई जाएंगी, प्रणाली, ईर्ष्या और गरिमा। अपने राज्य को विनाश से बचाने के लिए बुराई से लड़ने का प्रयास करती हैं। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार किससे इनके राज्य को खतरा है तो आपको इस शो को देखना पड़ेगा। इस शो के सभी एपिसोड्स अभी आप हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सभी शोज पसंद आए होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।